हेलो क्लास 11, चैप्टर 6 पाइथन फंडामेंटल में आज हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक मेमोरी को लेबल प्रोवाइड किया जाता है हम अपनी तरफ से, क्योंकि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं या कोड लिखते हैं तो हम मेमोरी एड्रेसेस को नहीं यूज़ कर सकते। मतलब डायरेक्टली हमें नहीं पता होता कि हम कौन सी वैल्यू, हमारी वैल्यू जो दी हुई वैल्यू है वो किस मेमोरी एड्रेस पर लोकेटेड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस मेमोरी एड्रेस को एक नाम देते हैं, एक लेबल प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्रामिंग कोड में उस नेम या लेबल का यूज़ करके हम कोडिंग करते हैं, है ना। अ वेरिएबल इन अ पाइथन प्रेजेंट्स नेम लोकेशन, नेम्ड लोकेशन, है ना, लोकेशन को नाम देना, दैट रेफर्स टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यू कैन बी यूज्ड एंड प्रोसीड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। तो वो वैल्यू हमको अगर प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है, हमारे कोड में यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें क्या होता करना होता है कि उस मेमोरी लोकेशन को एक लेबल प्रोवाइड करना होता है, एक नाम प्रोवाइड करना होता है, जिसके थ्रू, जिसका यूज़ करके हम प्रोग्राम करते हैं। फॉर इंस्टेंस टू स्टोर अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट, अगर हमको किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो हम कहाँ स्टोर करेंगे? हमें तो नहीं पता ना मेमोरी लोकेशंस या मेमोरी एड्रेसेस, हमें नहीं पता। तो हमें क्या करते, एक लेबल देते हैं, जैसे नेम इक्वल टू अमित, रोल नंबर इक्वल टू 101। तो इस तरीके से हम क्या देंगे, ये नेम, रोल नंबर, ये क्या है, एक वेरिएबल्स है, ये यूज़र डिफाइंड है, ये यूज़र ने क्रिएट किए हुए, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो ये जो मेमोरी को हम क्या कर रहे हैं, एक लोकेशन को हम लेबल दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, है ना। For instance, to store a name of a student and marks of a student during a program run, we require some label to refer to these marks so that this can be distinguished easily. Variables called as symbolic variables. Variables को हम symbolic variables भी कहते हैं. Serve the purpose. The variables are called symbolic variables because these are named labels. ये होते क्या है? Named labels होते हैं. For instance, the following statement creates a वेरिएबल, नेमली मार्क्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप। जैसे कि हमें मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मार्क्स इज इक्वल टू 70, है ना। अगर हमको किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम क्या करेंगे, मार्क्स इज इक्वल टू 70। तो ये जो मार्क्स लिखा है यहाँ पे, ये एक वेरिएबल है और ये यूजर ने क्रिएट किया हुआ है, इसको हम m इक्वल टू 70 ये हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, है ना। लेकिन आपने बिगिनिंग में मार्क्स डिफाइन किया है तो पूरे प्रोग्राम में आपको मार्क्स ही लिखना पड़ेगा, ना कि एम, है ना। क्रिएटिंग अ वेरिएबल, अब क्रिएटिंग अ वेरिएबल में आप देखेंगे, रिकॉल द स्टेटमेंट वी यूज जस्ट नाउ टू क्रिएट द वेरिएबल मार्क्स। तो मार्क्स इज इक्वल टू 70, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है मार्क्स नाम का, जो कि ये आपको बता रहा है कि इस वेरिएबल में मार्क्स स्टोर है। As you can see that we just assign the value of numeric type to an identifier name and the Python created the variable of a type similar to the type of the value assigned. तो इस तरीके से एक marks आपको पता लग रहा है कि एक numeric variable है जिसमें numeric value या numbers या marks store है। In short, after the above statement, we can see that the marks is a numeric variable. So creating variable was just that simple only. As you are right, in Python to create a variable, just assign to its name and value of the appropriate type. तो Python में क्या है कि just variables को आप value assign कर दो, आपको type declare करने की ज़रूरत नहीं है। अब traditional programming की बात करें, जैसे C है, C++ है, Java है, तो इन सब में पहले आपको वो variable की type define करनी होती है कि कोई integer type का variable, मतलब numeric type का variable आप create कर रहे हो, integer है, float है, character है, पहले उसका हमें type define करना होता है, उसके बाद हम value assign करते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली वेरिएबल नेम लिखकर वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट इक्वल्स टू जैकब, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट इक्वल टू जैकब, आपने पहले स्टूडेंट ये किस टाइप का ये नहीं बताया, है ना, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। अब डायरेक्टली वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे एज इक्वल टू 16, जो कि ये बता रहा है कि इसमें एज स्टोर है, स्टूडेंट ये बता रहा है कि इसमें आप स्टूडेंट का नाम स्टोर है।
यहाँ पे आप देखिए जैसे मेमोरी लोकेशन है स्टूडेंट, तो इस मेमोरी लोकेशन को नाम दिया स्टूडेंट, फिर ठीक उसी तरीके से इस मेमोरी लोकेशन को नाम दिया एज, तो इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है 16 और इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है जेकब। तो इस तरीके से ये इस मेमोरी लोकेशन को एक लेबल प्रोवाइड करता है, एक नाम देता है ना। पाइथन विल इंटरनली क्रिएट अ लेबल्स रेफरिंग टू दिस वैल्यूज एज शोन बिलो। इस तरीके से उस वैल्यू को रेफर करने वाले हम क्या कर रहे हैं, लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबल दे रहे हैं। इट इज सिंपल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ट्रेन नंबर है, तो ट्रेन नंबर आप असाइन करें सिंगल कोड में वैल्यू दिया है, ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, जो भी वैल्यू सिंगल या डबल कोड में होती है वो स्ट्रिंग होती है, ना कि न्यूमेरिक। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि 1 2 3 4 भी है, लेकिन टी हैश दिया है और आप देखेंगे कि सिंगल कोड में असाइन किया है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग टाइप, है ना, वेरिएबल क्रिएटेड ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक उसी तरीके से आप बैलेंस इक्वल टू 2 3 4 5 6.75। अब ये पॉइंट की वैल्यू, ये आपको पता लग रहा है कि फ्लोट टाइप की वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है। तो वेरिएबल क्रिएटेड ऑफ न्यूमेरिक फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। ठीक उसी तरीके से रोल नंबर इक्वल टू 105, तो ये 105 आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंटीजर वैल्यूज है, विदाउट पॉइंट्स की वैल्यू है ना। तो इसी तरीके से हम वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब बात करेंगे कि अदर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में किस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन में जो वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं बहुत ही डिफरेंट है ना। इम्पॉर्टेंट, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन। जो अदर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ कंटेनर काम करते हैं। कंटेनर मतलब एक स्टोरेज होता है जहाँ पे वैल्यूज को स्टोर करते हैं, लेकिन पाइथन में वो एज अ कंटेनर नहीं होते, वो एज अ लेबल वर्क करते हैं। इफ़ यू हैव एन अर्लियर एक्सपोजर टू प्रोग्रामिंग, यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया ऑफ वेरिएबल्स, है ना। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो अदर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, ये वेरिएबल कंसेप्ट डिफरेंट है, लेकिन पाइथन में वेरिएबल कंसेप्ट डिफरेंट है। पाइथन में एज अ कंटेनर, एज अ स्टोरेज वेरिएबल नहीं होता। बट द पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट क्रिएटेड इन द फॉर्म मोस्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट वेरिएबल्स एज कंटेनर्स। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया गया है, एज इक्वल टू 15 एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस है 202530, दिस इज द मेमोरी एड्रेस, और इस मेमोरी एड्रेस में ये एज नाम का वेरिएबल आपने क्रिएट किया है और इसमें आपने 15 वैल्यू स्टोर की है ना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए वेरिएबल इज अ कंटेनर इन द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस, दैट इज इट्स नेम स्टोरेज लोकेशन दैट स्टोर अ वैल्यू इन इट। उसके बाद स्टेटमेंट आपने दिया है कि स्टेटमेंट एज इक्वल टू 20। अब देखिए, अब मेमोरी एड्रेस यहाँ पे सेम है बिल्कुल भी, है ना, 202530 एंड 202530। अब मेमोरी एड्रेसेस सेम होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आया उसने वैल्यू अपडेट कर दी, उस मेमोरी एड्रेस पर की उसने क्या की, वैल्यू अपडेट कर दी, वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन मेमोरी एड्रेस चेंज हुआ क्या, नहीं। लेकिन पाइथन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अगर आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो जाता है। तो देखेंगे, नाउ दिस स्टेटमेंट विल चेंज द कंटेंट ऑफ द लोकेशन वेयर द वेरिएबल एज इज क्रिएटेड। विद दिस स्टेटमेंट द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिड नॉट चेंज, जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हुई, एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ओनली इट्स कंटेंट चेंज, जो कंटेंट है सिर्फ वो चेंज होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, जो सी सी प्लस प्लस जावा इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो होता है, मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होते, वैल्यू चेंज होती है, जबकि पाइथन में मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे पाइथन की। सी पाइथन वेरिएबल्स इन मेमोरी, बट पाइथन डज दिस डिफरेंटली। पाइथन बहुत ही डिफरेंटली इसको लेता है। लेट्स सी हाउ द पाइथन विल डू इट। पाइथन प्री लोडेड सम कॉमनली यूज वैल्यूज इवन बिफोर एनी आइडेंटिफायर इज क्रिएटेड। जब तक हमने कोई आइडेंटिफायर या कोई वेरिएबल नहीं भी क्रिएट किया है, तो ये क्या यूज करता है, कुछ इसकी प्री लोडेड कुछ वैल्यूज होती है, जो कॉमनली यूज होने वाली वैल्यूज होती है, ये उसको कंसिडर करता है इन द एरिया ऑफ मेमोरी। अब ये मेमोरी लोकेशन है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 14 से तो लगे 20 तक के वैल्यू स्टोर है, नहीं, ये मेमोरी के प्री लोडेड कुछ वैल्यूज है और जिनको जिन इन एड्रेसेस पर ये वैल्यू स्टोर है ना। इन द एरिया ऑफ मेमोरी वी कैन रेफर दिस एरिया एज अ फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस भी हम कहते हैं। द डाटा स्पेस
मेमोरी हैज़ लिटरल्स वैल्यूज एट डिफाइंड मेमोरी लोकेशन एंड इच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ मेमोरी एड्रेस, तो हर लोकेशन का उसका एक यूनिक एड्रेस होता है. वैन यू गिव अ स्टेटमेंट जैसे एज इक्वल टू 50, अब आपने एज इक्वल टू 15 दिया तो इसका एड्रेस क्या हुआ 20216, और फिर हम एज इक्वल टू 20 अगर करेंगे तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा 20296, है ना. वैन यू गिव अ स्टेटमेंट एज इक्वल टू 15, वेरिएबल एज विल बी क्रिएटेड एज अ लेबल पॉइंटेड टू अ मेमोरी लोकेशन वेर द वैल्यू 15 इज स्टोर्ड दैट इज एज, आप देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में. सो इसको ये डिनोट करेगा, इस एड्रेस को 20216 वाले मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेगा एज, है ना. वैन यू गिव अ स्टेटमेंट एज इक्वल टू 20, द लेबल एज विल नॉट बी हैविंग द सेम लोकेशन. जब आप स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट आप दोगे एज इक्वल टू 20, तो मेमोरी लोकेशन आपका ये 20216 नहीं रहेगा, अब आपका मेमोरी लोकेशन हो जाएगा 20296. सो देखेंगे द लेवल एज विल नॉट एज हैविंग द सेम लोकेशन एज द अर्लियर, इट विल नाउ रेफर टू द वैल्यू 20 विच इज एट डिफरेंट लोकेशन, जो वैल्यू है वो डिफरेंट लोकेशन पर है, तो डिफरेंट लोकेशन का जो एड्रेस है ये इसको डिनोट करेगा, ये उसको रेफर करेगा. नाउ द एज इज रेफरिंग टू अ लोकेशन 20296, तो आई होप ये कंसिडर आपके जो एग्जाम्पल है जो वेरिएबल्स के लिए है आपको समझ में आया होगा कि कंसेप्ट क्या है. ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ कंटेनर होते हैं, जबकि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ कंटेनर नहीं होते, ये एक मेमोरी को मेमोरी लोकेशंस को रेफर नेम रेफर करते हैं, लेबल रेफर करते हैं. सो दिस मेमोरी लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल्स एज वैल्यू इज चेंज, तो इस तरीके से जो वैल्यू है उस लेबल की वो अब मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. दस द वेरिएबल्स इन अ पाइथन डू नॉट हैव अ फिक्स्ड लोकेशन, तो जो पाइथन में जो वेरिएबल्स की जो लोकेशंस होती है वो कोई फिक्स नहीं होती, वैल्यू के साथ उसकी लोकेशन यहाँ पर चेंज हो जाती है ना. अनलाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द लोकेशन दे वैरी, दे रेफर टू चेंजेस एवरी टाइम देयर वैल्यू चेंजेस, जितने बार हम वैल्यू चेंजेस करेंगे, वैल्यू में चेंजिंग करेंगे, उनका एड्रेस या उनका लोकेशन उतने बार चेंज होगा. दिस रूल इज नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स दो, इट विल कम क्लियर टू यू नेक्स्ट चैप्टर, आगे और भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी.